तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम है फिर से हमारे चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की शुरू में गाइस हम लोग बात करेंगे हमारी गेम में आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के ऊपर। तो यार आज की शुरू में हम लोग काफी इवेंट्स कवर करने वाले हैं। आज की शुरू में गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लोकेश गेमर का फेवरेट बंडल आप लोगों को दोबारा से किसी इवेंट में देखने को मिलेगा। कौन से इवेंट में आने वाला है, आप लोग किस तरह से निकाल पाओगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा गाइस हम लोग बात करने वाले हैं न्यू ग्लोवाल्स की स्किन के ऊपर, और इसके अलावा गाइस हम लोग बात करेंगे FFCS के मेल बंडल के ऊपर, और भी काफी इवेंट्स कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो यार वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस हर बार की तरह अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं यार हम लोग 20,000 लाइक, तो यार 20,000 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करवा देना। तो जल्दी से यार लाइक कर दो, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ यार बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस एक छोटे से इंट्रो के बाद। हो जाओ सारे इकट्ठे, प्रजा मेरी देख लेगी, शर्म की बात है पूरी फौज हिला दी एक नहीं। तो आ चुके हैं गाइस इंट्रो के बाद वापस, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे FFCS इवेंट के मेल कैरेक्टर के बंडल के ऊपर। तो गाइस यार जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप लोगों को यार जो मेल कैरेक्टर का बंडल होगा हमारे FFCS इवेंट वाला, वो आप लोगों को फेडेड व्हील इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो गाइस आ चुका है फेडेड व्हील इवेंट के अंदर दूसरे सर्वर में मेल कैरेक्टर का बंडल, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड हमारे सर्वर में भी आप लोगों को बहुत ही जल्द फेडेड व्हील इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मेल कैरेक्टर का बंडल आ चुका है, काफी ओपी वाला बंडल है। एंड गाइस यहां पे आप लोगों को स्पिन वगैरह करने पड़ेंगे, तो दो चीजें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो जो आप लोगों को नहीं चाहिए। तो यहां पे एक में पैराशूट और कुछ गन के क्रेट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो यहां पे गाइस आप लोगों को स्पिन वगैरह करने पड़ेंगे। 9 डायमंड से स्पिन स्टार्ट होगा, जैसे-जैसे आप लोग स्पिन करते जाओगे वैसे-वैसे आप लोगों का स्पिन बढ़ता जाएगा। एंड गाइस यार आप लोगों के 1500 या 2000 डायमंड लगेंगे इस बंडल को निकालने के लिए। अगर गाइस यार आप लोगों का लक अच्छा रहा तो गाइस आप लोगों के बहुत ही कम डायमंड लग सकते हैं, मतलब आप लोग यार कुछ ही स्पिन में 2 या 4 स्पिन में निकाल सकते हो इस बंडल को। तो यार आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाला बंडल कैसा लगा, और ये आप लोगों को बहुत ही जल्द FFCS इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। तो आगे गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ब्लैक फ्राइडे इवेंट के ऊपर, जिसमें गाइस आप लोगों को देखने को मिल सकती है 90% तक डिस्काउंट। तो यार काफी ओपी वाला इवेंट है, इसमें गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोकेश गेमर का आप लोगों ने बंडल देखा होगा वो रेड कलर का है, और यहाँ पे ब्लू कलर का बंडल है। और गाइस यार एक और इवेंट है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा, उसमें गाइस आप लोगों को लोकेश गेमर जो बंडल यूज करता है रेड कलर का वो देखने को मिल रहा है, और वो आप लोगों को कुछ टोकन वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे उससे वो वाला बंडल मिल जाएगा। तो गाइस यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे ब्लैक फ्राइडे इवेंट के ऊपर। तो गाइस यार यहां पे आप लोगों को इलाइट पास देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आप लोगों को एक और बंडल देखने को मिल जाएगा, और भी काफी कुछ है। तो इस इवेंट को मैं ओपन करके दिखा देता हूं। इसके अंदर से गाइस आप लोगों को 90% तक डिस्काउंट मिल सकता है। एंड गाइस यार इस इवेंट में मुझे मिला है 90% डिस्काउंट, आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो। और यहां पे जो ब्लू कलर का बंडल है आप लोग देख सकते हो, यहां पे ब्लू कलर का बंडल हमें मिल रहा है यार 150 डायमंड में, मतलब 149 डायमंड के आसपास हमें ये वाला बंडल मिल रहा है। वैसे 1500 डायमंड का ये वाला बंडल है, तो हमें 90% डिस्काउंट मिला है ब्लैक फ्राइडे इवेंट में। और यहां 60 डायमंड का आप लोग देख सकते हो, 60 डायमंड का इलाइट पास मिल रहा है। और यहाँ पे गाइस ब्रेक डांसर बंडल भी है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 99 डायमंड में ब्रेक डांसर बंडल भी मिल रहा है। तो काफी ओपी इवेंट है। इसके अलावा टुक टुक की स्किन है, और भी काफी कुछ है यार इस इवेंट के अंदर। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाला ब्लैक फ्राइडे वाला इवेंट कैसा लगा, और ये वाला इवेंट हमारे सर्वर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही ओपी लगा। वैसे यार काफी टाइम हो चुका है हमारे सर्वर में ब्लैक फ्राइडे के नाम से इवेंट कोई नहीं डाला ग्रीना वालों ने, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये बहुत ही जल्द देखने को मिल जाए। मुझे तो काफी ओपी लगा, और यहाँ पे गाइस हमें 90% डिस्काउंट में मिला था। अगर गाइस ये अगर मैं आईडी को यूज करता तो मैं सारे के सारे मतलब चीजें क्लेम कर लेता। तो यार मुझे तो काफी अच्छा इवेंट लगा। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाला इवेंट कैसा लगा, और ये वाला इवेंट हमारे सर्वर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। तो आगे गाइस हम लोग बात कर लेते हैं लोकेश गेमर के फेवरेट बंडल के ऊपर। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग रेड कलर का बंडल देख सकते हो, दी शैडो बंडल आप लोग देख सकते हो, दी शैडो रेड बंडल, काफी ओपी वाला बंडल है। ये वाला बंडल आप लोगों को बहुत ही जल्द दोबारा से देखने को मिलने वाला है एक इवेंट के अंदर। तो इस इवेंट में गाइस आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को ये वाले टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे, विनर बैच वाले टोकन है। एंड इसके अलावा गाइस आप लोगों को यहाँ पे ब्लू कलर का बंडल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फार्मर्स की स्किन है रेड कलर की, कार 98 की स्किन है, पैट की स्किन आप लोगों को नीचे वाली साइड पे, और यहाँ पे आप लोगों को नीचे वाली साइड पे फीमेल कैरेक्टर का बंडल भी देख
देखने को मिल रहा है। ये वाला बंडल मुझे फ्री में मिला था, ये मेरे पास पड़ा है। एंड गाइस यार ये वाले आप लोगों को सारे के सारे बंडल दोबारा से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वाला बंडल मेरे पास पहले ही आप सभी को पता ही है, मैंने यार काफी टाइम पहले निकाल लिया था ये वाला बंडल। एंड ये वाला बंडल आप लोगों को दोबारा से देखने को मिलने वाला है। लोकेश गेमर का यार फेवरेट बंडल है, तो ये वाला इवेंट आप लोगों को बहुत ही जल्द हमारे सर्वर में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वाले टोकन कलेक्ट करने हैं विंड बैज वाले। तो गाइस यार इन टोकन से आप लोग क्लेम कर पाओगे ये वाला बंडल। तो ये वाले टोकन आप लोगों को मेरे ख्याल से स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्रेट्स ओपन करने पड़ेंगे, उसके अंदर से आप लोगों को ये वाले टोकन मिल सकते हैं। एंड गाइस यार ये आप लोग 50 टोकन से ये वाला बंडल निकाल पाओगे, तो काफी ओपी वाला इवेंट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये वाला इवेंट कैसा लगा और ये वाले बंडल हम दोबारा से देखने को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए हमारे सर्वर में, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। तो आगे गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारी गेम में आने वाली न्यू ग्लोवाल स्किन्स के ऊपर, जो कि गाइस आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि गाइस आप लोगों को FFCS इवेंट के दौरान ही देखने को मिल जाए, तो यहां पे गाइस आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यार आप लोगों को हर कंट्री फ्लैग की यार मतलब हर कंट्री के हिसाब से ग्लोवाल की स्किन देखने को मिलेगी, मतलब ग्लोवाल की स्किन के ऊपर यार फ्लैग बना होगा, आप लोग यहां पे देख सकते हो। काफी ओपी वाली ग्लोवाल स्किन है, तो यार हर कंट्री की अलग अलग ग्लोवाल स्किन आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर सर्वर की अलग अलग ग्लोवाल स्किन होगी। तो यार आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाली ग्लोवाल स्किन कैसी लगी और ये वाली ग्लोवाल स्किन हमारे सर्वर में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस यार अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना यार, वीडियो को लाइक है मैं आप सभी को पता ही है 20,000 लाइक है, तो यार 20,000 लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना। तो आगे गाइस हम लोग बात कर लेते हैं टाइटंस कार के ऊपर। तो गाइस यार टाइटंस कार आ चुकी है पाकिस्तानी सर्वर में दोबारा से। तो गाइस यार आप सभी को पता ही है एक दो वीक पहले आप लोगों को इंडिया सर्वर में देखने को मिली थी, अभी आ चुकी है यार पाकिस्तानी सर्वर में। तो आप सभी को गाइस यार पता ही है कि यार ग्रीना वाले इवेंट कुछ आगे पीछे करते रहते हैं यार, तो अभी गाइस ये पाकिस्तानी सर्वर में आ चुकी है। तो एक दो वीक पहले आप लोगों को इंडिया सर्वर में देखने को मिली थी, तो ऐसे ही गाइस आप लोगों को इंडिया सर्वर में बहुत ही जल्द यार जोकर वाला इंक्यूबेटर देखने को मिलने वाला है। तो जोकर वाले इंक्यूबेटर का नाम तो मुझे नहीं याद, तो आप लोगों को बहुत ही जल्द जोकर वाला इंक्यूबेटर इंडिया सर्वर में देखने को मिल जाएगा। एंड यहां पे गाइस पहले जोकर वाला इंक्यूबेटर पाकिस्तानी सर्वर में आया था, अभी वो आप लोगों को इंडिया सर्वर में देखने को मिलेगा। तो टाइटंस कार पहले इंडिया सर्वर में आई थी, अभी वो आप लोगों को पाकिस्तानी सर्वर में देखने को मिल रही है। तो गाइस यार यहां पे मैंने इंडिया सर्वर में पहले ही निकाल ली थी, अभी मैं निकालने वाला हूं पाकिस्तानी सर्वर की आईडी में। एंड इसके ऊपर गाइस मैंने काफी ज्यादा डायमंड लगाए थे, लगभग मेरे 5,000 डायमंड लगे थे इस मतलब इवेंट के ऊपर, इस इंक्यूबेटर के ऊपर। तो गाइस यार यहां पे आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा मैं स्पिन कर चुका हूं, एंड आगे भी मैं स्पिन काफी कर रहा हूं। तो गाइस यार यहां पे हम लोग निकालने वाले हैं यार टाइटंस कार को। तो यार टाइटंस कार की आप सभी को पता है बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो गाइस यार मैं दो ही सर्वर में सिर्फ गेम प्ले करता हूं, एक इंडिया सर्वर में और एक पाकिस्तानी सर्वर में, दो सर्वर में गेम प्ले करता हूं। और दोनों सर्वर में गाइस मेरे सब्सक्राइबर है आप सभी को पता है, वैसे मेरे बांग्लादेश में भी है और मेरे नेपाल में भी सब्सक्राइबर है यार, तो काफी सब्सक्राइबर है वैसे नेपाल और बांग्लादेश, आप सभी को पता ही है इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तानी सर्वर में भी गाइस मैं गेम प्ले करता हूं, अगर आप लोग पाकिस्तानी सर्वर से हो तो गाइस आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग इंडिया सर्वर से हो या नेपाल से या बांग्लादेश से हो तो उसकी भी आईडी मेरी यूआईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस यार आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो और मैं आप लोगों के साथ यार गेम प्ले जरूर करूंगा। एंड यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते हो तो यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना कि भाई मैंने इस नाम से आप लोगों को आपको रिक्वेस्ट भेजी है, तो मैं यार एक्सेप्ट कर लूंगा। तो यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से गाइस हम लोग निकालने वाले हैं इस मतलब टाइटंस कार को, जल्दी से निकल जाए। वैसे मैंने यार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, तो इस वजह से यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैंने कहा जल्दी जल्दी यार इसको फास्ट करें। तो गाइस यार आप सभी को पता है यार हम लोग अपने चैनल पे डीजे अलोक के गिव अवे करते ही रहते हैं, तो यार अभी हम लोग करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम पे हम लोग डीजे अलोक के गिव अवे करेंगे डेली। एंड गाइस यार अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो यार, पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे कर रहा था और साथ ही साथ हम लोग वीडियो के अंदर भी डीजे अलोक के गिव अवे कर रहे थे। अभी यार इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे। तो यार आप लोग जाके फॉलो कर लेना जरूर से इंस्टाग्राम पे, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पे गाइस हमें ब्लूप्रिंट मिल चुके हैं, एंड अभी हम लोग चलते हैं इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जल्दी से मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मुझे मिल चुकी है। और गाइस अगर आप लोग पाकिस्तानी सर्वर से हो एंड गाइस अगर आप लोग टाइटंस कार निकालना चाहते हो फ्री में से इंक्यूबेटर के अंदर से, तो गाइस आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को करना है मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब, उसका नाम है RKG's Live, उसके ऊपर हम लोग करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। एंड गाइस हम लोग अपने सब्सक्राइबर एक सब्सक्राइबर को फ्री में टाइटंस कार भी निकाल के दे सकते हैं, तो जल्दी से जाके इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल के अंदर ही उसका लिंक दिया गया है, तो यार आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में यही कुछ था, आज की वीडियो का लाइक हम रखा है 20,000 लाइक, तो यार 20,000 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करवा देना। तो जल्दी से यार सभी लोग लाइक कर दो, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ यार बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर गुड बाय।